सादर प्रणाम। वेलकम एवरीवन टू गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आई एम योर एजुकेटर नेहा तनेजा। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। होपफुली आपने अपना टीचर्स डे एंजॉय किया होगा, बीइंग अ टीचर और बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ लर्नर, एनीथिंग। सभी के लिए बहुत अच्छा दिन था, बहुत सारी मेमोरीज लिंक हम करते हैं काफ़ी सारे लोगों के साथ जो हम लाइफ टाइम चेरिश करते हैं। सो गाइस, आप लोगों की बहुत सारी विशेज मुझे मिली। इनफैक्ट रात से ही मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, आपके बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस। सभी मैसेजेस को मैंने पढ़ा एंड तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग इतना प्यार करते हैं एंड इतना रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब व्हाट शुड आई से, एक्चुअली वही मेरी पूंजी है ना। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ ही मेरी पूंजी है। उसके लिए बहुत 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 थैंक यू कि आपने मुझे इस लाइक समझा एंड आपने सोचा कि मैं इतना डिजर्व करती हूँ, तो वो वर्ड्स आपके दिल से जो है वो निकले हैं। अगेन, अगर हम टीचर की बात करें तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि लाइफ इज अ ग्रेट टीचर। एंड टीचर केवल वही नहीं होता जो आपको स्कूल टाइम में, ट्यूशन टाइम में या कॉलेज टाइम में, एनीथिंग, कोई भी स्पेसिफिक स्टडी टाइम में आपको पढ़ाता है। एक छोटा बच्चा भी आपका टीचर हो सकता है अगर आप कंसिडर करें, उससे भी आप बिन कहे बहुत कुछ सीखते हैं। एक कोई बड़ा बुजुर्ग भी आपका टीचर हो सकता है, आपके पेरेंट्स आपके सबसे पहले टीचर हैं, आपके सिबलिंग्स, आपके आसपास की हर एक चीज़ जो पर्टिकुलर टाइम पर होती है। हम तो लिविंग चीज़ों की बात करते हैं, उनको विश करते हैं। नॉन लिविंग चीज़ों की भी अगर आप बात करें, दीवार पर टंगी हुई घड़ी, एक वॉच जो है, वॉल क्लॉक या आपकी रिस्ट वॉच, एनीथिंग, वो भी हमें समय की कीमत सिखाती है, कुछ सिखाती है कि समय आगे बढ़ता जाता है। तो सीखने के लिए भरपूर चीज़ें हैं, सिर्फ ज़रूरत है तो फोकस करने की। अब उसमें आप नॉन लिविंग थिंग को भी कंसिडर कर सकते हो, लिविंग को भी कंसिडर कर सकते हो, आप डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर कर सकते हो। एवरीथिंग, एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इज टीचिंग यू समथिंग। बस सीखना और समझने की ज़रूरत है कि सामने वाला हमें क्या बतलाने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो ये बहुत सारी बातें हैं, बट बीइंग अ टीचर, बीइंग अ एजुकेटर, मैं आपसे यही कहूँगी कि एवरी डे ट्राई टू गेट अ बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हर दिन हमें लर्निंग में थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। सो गाइस, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि सरप्राइज क्या होगा टीचर्स डे का, तो पहले तो मैं 30 seconds वेट करना चाहती हूँ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स कि आप मुझे बता सकें कि क्या आपका कोई गेस है कि आज का सरप्राइज जो है वो क्या हो सकता है, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। कुछ भी, वॉट एवर यू फील, जो भी आपको लगता है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं अपने मन के थॉट्स। इनफैक्ट मॉर्निंग में भी काफ़ी सारे बच्चे गेस कर रहे थे कि मैम ये सरप्राइज है, मैम वो सरप्राइज है। देखते हैं कि कौन सा सरप्राइज, किसका सरप्राइज जो है वो सही निकलता है। एंड डेफिनेटली जिसका भी सरप्राइज जो है वो सही हुआ, मेरी तरफ से उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट, राइट? एंड गेस कीजिए आप लोग क्या सरप्राइज हो सकता है। ओके, ग्रेट। तो होपफुली कमेंट सेक्शन में आपने मेंशन कर दिया कि आपको क्या लगता है। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, आप लोग जानते हैं कि अभी थोड़े समय पहले ही काफ़ी टाइम हो गया, मेरी एक बुक आई थी माइंड मैप्स के नाम से, जो कि अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, हर जगह अवेलेबल है। इसका सेकेंड एडिशन भी आ चुका है, जिसमें मैंने कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो एड ऑन किए हैं विद आंसर्स। एंड अगेन आप लोग जो है उनके सीधे सीधे आंसर्स जो हैं माइंड मैप से पा सकते हैं। 101 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लाइफ साइंस पर जो है
ये माइंड मैप बुक थी जो कि अगेन क्विक रिविजन नोट्स के साथ थी। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया एंड डेफिनेटली बहुत सपोर्ट किया मेरे इस इनिशिएटिव को, जो सोचा था मैंने कि एक थॉट प्रोसेस के साथ कि इट विल बी वेरी हेल्पफुल, बहुत बहुत सारे लाइफ साइंस एग्जाम में या क्विक रिविजन में इट विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड काफ़ी सारे पॉइंट्स भी मैंने इससे रेलिवेंट शेयर किए थे जो कि ऑलरेडी इसी चैनल पर वीडियो है, आप देख सकते हैं कि इस बुक के सेलिंग फीचर्स क्या हैं एंड आपको क्या क्या बेनिफिट जो है मिलते हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट एंड द सरप्राइज फॉर यू गाइस इज, गेस तो आई गेस आपने कर लिया है एंड यहाँ से भी कुछ आपको गेस लग रहा होगा, द सरप्राइज इज माय सेकेंड बुक फॉर यू गाइस, जो बहुत सोच समझ के मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ एंड मुझे पूरा विश्वास है कि वो इमेंसली हेल्प करेगी आप लोगों की, स्पेसिफिकली उन कैंडिडेट्स की जो लाइफ साइंस के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए, जब भी आप किसी एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करें, एक्स वाई जेड वो कोई भी एग्जाम है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नेसेसिटी होती है वो, या एक नीड होती है स्ट्रैटेजिकल, वो होती है PYQs सॉल्विंग के लिए, है ना, कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना होता है। अब PYQs जो होते हैं वो तो अवेलेबल हो जाते हैं वेबसाइट पर भी काफ़ी जगह, मेजरली जो उनके सॉल्यूशंस होते हैं वो नहीं मिल पाते। एंड सॉल्यूशंस भी मैं कहूँ तो मैं सिर्फ ऑप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक्यूरेट सॉल्यूशंस की बात कर रही हूँ। तो एक ऐसी ही बुक मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, उसके भी कुछ फीचर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड फॉर एनी ऑफ द एग्जाम, वेदर इट इज गेट, वेदर इट इज ICMR, DBT, CSIR, whatever, PYQs analysis is the necessity. तो कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करके बुक जो है आप लोगों के सामने आई है। इनविंसिबल पब्लिकेशंस की मदद से टीचर्स डे के ओकेशन पर एक बुक आपके सामने रिलीज हुई है, अमेजन पर आप देख सकते हैं, लाइक प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं इन केस यू आर इंटरेस्टेड। ये बुक जो है वो स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है जॉइंट CSIR UGC नेट लाइफ साइंसेस के लिए, राइट, जो आपका CSIR नेट का एग्जाम आप देते हो स्पेसिफिकली उसके लिए। एंड यहाँ पर रिवाइज्ड एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन, लाइक आपका जो लेटेस्ट पेपर हुआ है वहां से लेकर जो है पिछले 5 साल तक, यानी कि इन टोटल अगर आप देखेंगे तो 5 ईयर्स बैक तक आपको जो है कंप्लीट पेपर्स दिखेंगे, 10 पेपर्स इन, क्योंकि ट्वाइस अ ईयर आप देखते हैं। एंड लास्ट ईयर भी हम बात करें तो पेपर एक हुआ था लेकिन शिफ्ट 2 थी, राइट, तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको पूरा का पूरा इसमें मिलेगा। कुछ और मैंने एनालाइज किया एंड थॉट प्रोसेस दिया, तो व्हाट आई फील कि कुछ लूप होल्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करते हैं। एक बार दे आर लाइक रेडी एंड वो सॉल्व कर रहे हैं, कहीं अटक गए तो बस उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे, तो वो परेशानी आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। जो मैंने फोकस किया है वो सभी चीज़ों पर फोकस किया। अगर आप CSIR का सिलेबस देखेंगे तो सेक्शन A, दैट इज एप्टीट्यूड वाला सेक्शन, इसके अलावा जो आपकी यूनिट 1 to 13 जिसमें पूरा लाइफ साइंस कवर होता है, सभी के क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर्स के अप टू डेट अलॉन्ग विद देयर सॉल्यूशन। एक चीज और जो मैंने को लगता था बहुत जरूरी है, आपने काफी बार मुझे कहते हुए भी सुना होगा एंड आप लोगों से पूछते हुए भी सुना होगा, दैट इज द कंसेप्ट। क्या आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से कंसेप्ट में से है, सो आप इम्प्लीमेंटेशन उसका और बेटर कर सको। कंसेप्ट टैगिंग इज द नेसेसिटी, जो आपको हर एक क्वेश्चन से मिलेगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन कहाँ से है, प्रोटीन सॉर्टिंग से है, ऑर्गेनेलीज से है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से है, न्यूक्लिक एसिड से है, प्रोटीन सीक्वेंसिंग से है, ऑल दैट, राइट। कंसेप्ट टैगिंग भी आपको एक इंटीग्रल पार्ट मिलेगा इस बुक में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा, एनालिसिस का एक की पॉइंट आता है कि हर साल पर्टिकुलर जगह से आपसे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बायोकैम की बात कर रहे हो तो कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, सेल बायो की बात कर रहे हो तो कितने क्वेश्चंस पूछे गए, मोल बायो की बात कर रहे हो तो कितने क्वेश्चंस पूछे गए, उससे क्या होता है आपको एक वेटेज का आइडिया हो जाता है ना। एंड जो भी एक बच्चा स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है, उसके पास लिमिटेड टाइम है, तो वो फोकस कर सकते हैं कि अच्छा जी ये पैटर्न चल रहा है, आई शुड फॉलो दैट, सो दैट मेरे चांसेस जो है वो JRF के लिए ज्यादा बढ़ जाएंगे, राइट।
सो एक और चीज जो मैंने यहाँ पर ऐड की, जो कि आपको शायद आई डोंट नो बहुत कम जगह देखने को मिलेगी, बट व्हाट आई फील इज दैट कि ये चीज जो है बहुत ज्यादा जो है नेसेसरी लाइक थी, जो आप लोगों के लिए होनी चाहिए थी, जो भी बच्चे इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। अब ये बुक केवल सीएसआर से रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि सीएसआर का सिलेबस इतना वास्ट है कि अगर आप इसको कवर करते हो तो और एग्जाम्स आराम से आप कवर कर सकते हो, थोड़े थोड़े एडिशनल पार्ट के साथ। जैसे आईसीएमआर में थोड़ा सा आपको जनरल साइंस बायो स्टैट्स करना पड़ता है, डीबीटी में भी आपको थोड़ा सा एडिशनल जनरल ए पार्ट करना पड़ता है, एंड ऑल दैट राइट। अगेन स्टेट के जो पेपर होते हैं, स्टेट नेट के पेपर होते हैं, उसके लिए भी एक्सट्रीमली इट विल बी हेल्पफुल, क्योंकि देखो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज टेस्ट करनी है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, डजंट मैटर वो क्वेश्चन कहीं से भी हो। सो एक वो मेरा फोकस्ड अप्रोच था इस चीज के लिए, एंड ये सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए नेसेसरी है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, क्योंकि सीएसआईआर सबसे बड़ा सिलेबस अपने साथ लेकर बैठा हुआ है। तो एवरीवन कुछ इस तरीके से ये बुक दिखाई देती है, कुछ सेलियंट फीचर्स जो हैं वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ठीक है। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस आपको मिलेंगे लास्ट 5 ईयर्स के, जनरल एप्टीट्यूड जो बहुत जगह आपको नहीं मिलता है उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, यूनिट वाइज सॉर्टिंग भी की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पेपर आता है वो मिक्स होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मुझे बहुत बहुत बड़ा एक लूपहोल लगता था, बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, है ना, आधा टाइम तो वो सॉर्टिंग में ही निकाल देते हैं। तो सॉर्ट करके आपको 13 यूनिट्स दिए हैं कि भैया बायोकैम का ये क्वेश्चन, इस ईयर के ये सॉल्यूशन एंड ऑल दैट राइट। इसके अलावा ईयर वाइज वेटेज, क्योंकि देखो एक ही वेटेज तो इट्स लाइक कि थोड़ा बहुत फिक्स रहती है ना। बी और सी पार्ट में सब्जेक्ट वाइज जो हम देखते हैं तो वहां वेटेज वेरी करती है, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग कि वेटेज आपको देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, कंसेप्ट टैगिंग विद ईच क्वेश्चन दैट विल ऑल्सो बी देयर। तो क्योंकि 13 यूनिट्स थी, मोर ओवर पार्ट ए भी इंक्लूड है, तो हम दो पार्ट्स में इस बुक को देख सकते हैं। वन इज पार्ट वन जिसमें कुछ यूनिट्स होंगी, एंड रिमेनिंग यूनिट्स आपको पार्ट टू में भी मिलेंगी। सो दैट इज ऑल्सो द केस। अब आई ट्राइड माई बेस्ट एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितना मैं कर सकती हूँ ना अपनी जिंदगी में, जितना मेरी हेल्थ मेरी लाइफ अलाउ करती है उतना मैं आप लोगों के लिए करूं, एंड आप लोगों का प्यार बना रहे तो शायद मुझे मोटिवेशन एक्स्ट्रा मिलता रहे और आगे बढ़ने का और कुछ करने का। तो ये एक सरप्राइज जो आज मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ये बुक जो है अमेजन पर अवेलेबल है, अभी आप इसका प्री ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ दिन बाद ये बुक आपको जो है अवेलेबल हो जाएगी। आई गेस एक अच्छा गिफ्ट है टीचर्स डे के लिए, है ना। मुझे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि जितना मेरे पास है मैं दे दूँ, है ना, अपने बच्चों को। अगर कोई 1% भी बच्चा मेरे पर विश्वास करता, उसको लगता है कि यस मेरा कुछ हो जाएगा, है ना, लाइफ में मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, तो बस दिल करता है कि करते ही जाओ करते ही जाओ। दैट इज द रियलिटी, जो आपका प्यार है वही सब कुछ है ना, वो एक मेन चीज है। तो इनकेस आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी दोनों पार्ट्स का एंड प्रीवियस बुक का भी, सो दैट आप लोग जो है वो चेक कर सकें। अब क्योंकि टीचर्स डे है, छोटा सा एक मैसेज जो मुझे ऐसा लगता है कि यस रियलिटी है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। रुक गया है तो क्यों, क्यों रुका है तू या क्यों रुकी है तू? क्या तुझे है आभास नहीं, क्या तुझे पता नहीं है? जब तक मंजिल ना मिले रुकने तक का एहसास नहीं। मंजिल जब तक नहीं मिले ना रुकना है ही नहीं, रुकने का एहसास भी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कॉन्टिन्यूअसली चलते रहो। इवन इन योर ड्रीम्स यू हैव टू फोकस ऑन योर ड्रीम्स राइट। चल आगे आगे चल, देख आगे, गिरना संभलना तो चलता रहेगा, दीज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे सर्फ एक्सल वाले बोलते हैं ना, दाग अच्छे हैं लगने दो, हम कहते हैं गलतियां अच्छी हैं होने दो, फेल होना अच्छा है होने दो, गिरना अच्छा है गिरते रहो, संभलना जरूरी है संभलते भी रहो।
जो आपको सक्सेस नहीं सिखाती वो आपको फेल्योर सिखाता है, माइंड माई वर्ड्स, जो आपको सुख नहीं सिखाता ना वो आपको दुख सिखा देता है। तो गिरना संभलना तो चलता रहेगा, तू फिर गिरेगा और फिर उठेगा, एंड आई एम डैम श्योर फॉर ऑल माई लर्नर्स कि वो इतना गट्स रखते हैं कि वो गिरेंगे और वो दोबारा उठेंगे, आगे खुद से ही संभलता रहेगा। इतना पोटेंशियल आप में भर जाना चाहिए कि किसी की जरूरत नहीं है, यू आर देयर फॉर योर सेल्फ, राइट, यू डोंट नीड एनीबडी एल्स। जब आपके साथ हो तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। आगे खुद से संभलता रहेगा, चलने का एहसास है, जब तक आपके अंदर वो ज्योत जली है, वो चीज है कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे चलते जाना है, देखकर आगे बढ़कर कुछ अच्छा करके दिखाना है, जब तक वो ज्योत जलेगी, जब वो सीखने की आग जब तक जलती रहेगी ना, आप दूर तक जाओगे, इन्फिनिटी तक जाओगे, एंड कोई आपको नहीं रोक पाएगा। Definitely mind my words, and इसके लिए you need to train your mind, your body will follow the rest. So इसी एक अच्छे thought के साथ मेरे हिसाब से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने मेरे आप कह सकते हैं कि ये experiences हैं life के जो मैं आपसे share करती हूँ, and hopefully आप लोग के भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस होंगे। कुछ कमेंट सेक्शन में आप कहना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एवरीवन, एनी थॉट, एनीथिंग यू वुड लाइक टू से, आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तो होपफुली आपको सरप्राइज अच्छा लगा, मुझे बताइएगा आपको सरप्राइज कैसा लगा, ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, एंड मिलेंगे जल्दी कुछ और अच्छी चीज़ों के साथ। मेक श्योर मेरा टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करके रखा हो, जिसका नाम गुरुमंत्र है, जो कि अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे के सारे अपडेट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, एंड कुछ भी अपडेट आपका मिस नहीं होगा, एंड इसी तरीके से हम लोग जो है वो कनेक्टेड रहेंगे। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एवरीवन, राइट। मेक श्योर यू नीड टू स्टे कनेक्टेड रहिए, कनेक्टेड रहिए, जुड़े रहिए, एंड यू ही अपना प्यार और अपने प्यारे प्यारे शब्दों की बरसात करते रहिए। अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने का। जितना मुझसे होगा आई विल डू सो। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून, टेक केयर।